परमार्थ निकेतन गंगा एक्शन परिवार अनेकों वर्षों से वृक्षारोपण के क्षेत्र में ये सर्वविदित है कि कार्य करता रहा है, लेकिन मुझे जब बड़ी प्रसन्नता होती है कि उस प्रेरणा को लेकर जब समाज आगे बढ़ता है, और इसी की आज आवश्यकता है। ये यात्रा बहुत बड़ी यात्रा है, महायात्रा है, ये पर्यावरण की यात्रा है। जैसे ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए HDFC बैंक 1,00,000 पौधों के संकल्प के साथ आगे आया है, मैं चाहूँगा कि और भी सारे कंपनियाँ आगे बढ़ें और साथ में मिलकर ये जो एक अभियान है केवल परमार्थ निकेतन का या गंगा एक्शन परिवार का नहीं, आस्था और व्यवस्था का संगम बने। और मैं चाहता हूँ जो हमारी आस्था है इस तरह की व्यवस्थाएं आगे आएं और देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने कर्तव्यों के साथ आगे बढ़े। स्वामी जी जो बसंत पंचमी से एक संदेश दे रहे हैं कि हमें पर्यावरण को कैसे ठीक रखना है, मुझे अपना बचपन याद आ गया। परमार्थ निकेतन जीवन देने वाली एक संस्था है, इस अभियान से जरूर जुड़ें। इसके साथ हम प्लास्टिक का भी यूज़ बिल्कुल समाप्त कर दें, इसके लिए भी हमें विशेष प्रयत्न अपने घर से करने होंगे। हम भूल गए कि किसी समय हम थैला लेके सब्जी लेने जाते थे। हम ये भी भूल गए कि कभी दूध दही अगर बाज़ार से लाना होता था तो घर से बर्तन लेके जाते थे। उन पुरानी परंपराओं को हमें दोहराना होगा, तभी हम अपने बच्चों को एक अच्छा और सुंदर भविष्य दे पाएंगे। और सभी लोग एक एक वृक्ष आज जरूर लगाएं। मैं भी अपनी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके BCs को बुला के वृक्षारोपण के लिए कहूँगी, और हर यूनिवर्सिटी में वृक्ष लगे, अधिक से अधिक वृक्ष लगे, ऐसा प्रयास मेरा होगा। भाई बहनों, बहुत सुंदर कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हैं, और मैं जानता हूँ कि महाराज श्री का आज से नहीं वर्षों से किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षित हो, कैसे ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण हो। तभी जब भी आपके कार्यक्रम में कभी हम लोग जाते हैं तो महाराज श्री यदि मेमेंटो के रूप में कुछ देते हैं तो सिर्फ एक पौधा प्रदान करते हैं ताकि हम अपने अपने क्षेत्र में लगाएं। वो रुद्राक्ष का हो सकता है, वो अन्य किसी चीज़ का हो सकता है, ये प्रेरणा आपसे मिलती है। जिनका मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता रहता है, जो हमेशा इस तीर्थ नगरी को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा चिंतन और मंथन करते रहते हैं, ऐसे पूज्यपाद स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज जी। जहाँ पर पर्यावरण इतना प्रदूषित हो चुका है, 1,00,000 वृक्ष लगाने का जो संकल्प यहाँ पर लिया जा रहा है, तो हमको एक संकल्प हॉल लेना पड़ेगा कि उन वृक्षों के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी हमको निरंतर प्रयास करना होगा, जब तक वो छोटा पौधा बड़ा वृक्ष बन के तैयार नहीं हो जाता है। पूज्य स्वामी जी, जिनके लगातार ब्लेसिंग से AIIMS ग्रो कर रहा है। एनवायरमेंट ऑल्सो मीन्स डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इन माइंड, डिसिप्लिन लाइफ, डिसिप्लिन इन सोसाइटी, बट ओवरऑल अबव आई वुड से द की पॉइंट फॉर मी इन द पर्यावरण इज ऑल्सो blessings of Swami Chidananda ji. Thank you very much. HDFC और Swami ji के साथ joint effort में जो हम ये activity करने जा रहे हैं उसके साथ participate करने के लिए यहाँ पर हैं। ये जो पौधे लगाएंगे हम उसकी आगे भी ये ध्यान रखेंगे कि वो properly track हों, ताकि वो properly build up हों, और उसके बाद उसको जो चिड़िया है या पैरेट है वो अपना घर बना सकें, और नेचर के अंदर जो उसका एक सिग्निफिकेंस है वो मेंटेन रहे। सभी मिलकर एक संकल्प करेंगे कि इस धरती को हरा भरा रखेंगे, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने एक संकल्प कराया है, वो भी UN में जाकर, कि भारत 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक का समापन करेगा। मुझे लगता है ये हम सबका 130 करोड़ लोगों का ये संकल्प होना चाहिए कि हम मिलकर करेंगे। और इससे बढ़िया अवसर क्या होगा, वसंत पंचमी का दिन और हमारी आदरणीय शक्ति हमारे बीच में है, माननीय राज्यपाल महोदया, और मैं चाहता हूं कि आइए मिलकर हम हाथ खड़ा करके सब संकल्प करेंगे। ओम द्यौः
शांति रंगारिक्षागुं शांति ही पृथ्वी शांति रावा शांति रोखदाया शांति ही वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति ही सर्वगुं शांति ही शांति रे